आपका स्वागत है। और कैसे आप सब लोग? तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी करंट अफेयर्स ऑफ 9 एंड 10th मार्च कम्बाइंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम करंट अफेयर्स आज के डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ हाल ही में कहाँ हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है? और यह जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो वो पीवी सिंधु को चुना गया है। अगला प्रश्न आपके लिए था, कच्चा तीवू द्वीप पर किस देश का आधिपत्य है? तो किस देश का आधिपत्य है? श्रीलंका का आधिपत्य है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु में स्थित है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, उनके सोल्यूशन देख लिए, अब हम जो है आज की न्यूज देखेंगे। तो पहली न्यूज है, 2022 तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। सरकार ने 2022 तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं जिसको, बनाने का लक्ष्य रखा है ताकि अधिक महिलाओं को आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने कहा कि 60 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप 6 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जुटा रहे हैं। और स्वयं सहायता समूह की अगर हम बात करें तो ये उन लोगों के अनौपचारिक संघ हैं जो समान समस्याओं का सामना करते हैं और एक दूसरे की मदद कर अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाते हैं। और ये स्वशासित हैं और आमतौर पर समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि साझा करते हैं। ये अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत को प्रोत्साहित करते हैं, स्मॉल सेविंग्स को ये प्रमोट करते हैं अमंग द ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी चर्चा में रहता है और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं, सऊदी अरब द्वारा उत्पादन में वृद्धि को 1 महीने के लिए स्थगित करने के बाद कच्चे तेल की कीमत में 20% से अधिक की कमी हुई है। आपूर्ति में कटौती के लिए ओपेक देशों की योजना का हिस्सा बनने के लिए रूस ने इनकार के जवाब में सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने अगले महीने से उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। इस निर्णय के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत 30% घटकर 31.02 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई है। और एक दिन में इतनी गिरावट आने की, जो इतनी गिरावट आई है, ये सबसे खराब गिरावट है। और ऐसी गिरावट जो है 1991 में खाड़ी युद्ध के शुरुआत के बाद से ये पहली ऐसी गिरावट है। ठीक है, उससे पहले 1991 का जो गल्फ वॉर हुआ था उस दौरान पे ऐसा हुआ था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो अपने सदस्यों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करता है। यह 1960 में 5 देशों के द्वारा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला द्वारा बनाया गया था। और वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो 14 तेल निर्यातक विकासशील राष्ट्र हैं। कतर ने 1 जनवरी 2019 को अपनी सदस्यता समाप्त कर दी थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो जैसे कोई भी आप जब न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है तो उसको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी है। मान लीजिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि ओपेक किस वर्ष में इसका गठन हुआ था। ठीक है, या फिर पूछ सकते हैं इसके मेंबर्स कितने हैं, जैसे कि अभी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था कि आईएमएफ में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, या फिर कतर से पूछ सकते हैं कि कतर इसका मेंबर है या नहीं है, फिर उसके मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम बेंगलुरु में शुरू किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने एम्स आईएम बेंगलुरु में किया। और यह फेलोशिप प्रोग्राम संकल्प प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और इस फेलोशिप कार्यक्रम में यूपी, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक और मेघालय के 75 जिलों के 75 स्नातकों को जिला कौशल योजना तैयार करने के लिए 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये जो प्रशिक्षण दिया जाएगा ये आईएम बेंगलुरु के द्वारा दिया जाएगा। संकल्प प्रोग्राम की हम बात करें तो कौशल अधिग्रहण और आजीविका के लिए ज्ञान जागरूकता संकल्प का ये फुल फॉर्म है। एंड कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के जनादेश को लागू करना है। यह योजना केंद्र प्रायोजित है और इसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो क्वेश्चन आपका संकल्प प्रोग्राम से भी बन सकता है। ठीक है, तो हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सके या फिर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ पूछा जा सके।
अगली न्यूज देखते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार 15 महिलाओं को दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, उस पर राष्ट्रपति द्वारा 15 उत्कृष्ट महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। और जो पुरस्कार के विजेता हैं वो उसमें 103 वर्षीय एथलीट मन कौर हैं, IAF इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट्स हैं जिसमें मोना सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी हैं, कुछ किसान हैं बदला भूदेवी और बीना देवी, कारीगर आरिफा जान को मिला, पर्यावरणविद चामी मुर्मू को भी है जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक उद्यमी है निलजा वांगमू, इनको भी नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, मोटर वाहन सात पेशेवर रश्मि उद्रवदेश को भी यह है जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेडी मिशन कलावती देवी, उसके बाद जुड़वा पर्वतरोही ताशी और नुमशी मलिक को भी यह पुरस्कार दिया गया। और किसको दिया गया, शास्त्रीय गायक कौशिकी चक्रवर्ती, 98 वर्षीय कार्तिकेयनी अम्मा जिन्होंने 2018 में साक्षरता परीक्षा में टॉप किया था उनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 105 वर्षीय भागीरथी अम्मा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नारी शक्ति पुरस्कार की बात करें तो ये है, आप पुरस्कार के नाम से ही समझ सकते हैं कि ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। यह पुरस्कार महिलाओं की मुक्ति में व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किए गए असाधारण योगदान को पहचानने के लिए दिया जाता है। बेसिकली ये जो है जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसी इंडिविजुअल का या फिर किसी ग्रुप का तो टुवर्ड्स दी अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, तो उनको ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 1975 से हर साल 8 मार्च को यह मनाया जाता है। 2020 की जो थीम थी वो थी पीढ़ी समानता, महिलाओं की अधिकार प्राप्ति, इंग्लिश में है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ठीक है, तो ये थीम वगैरह काफी इंपॉर्टेंट रहती है, आप इनको जरूर पढ़िए। अगला आपके लिए है न्यूज, पोषण अभियान पोषण पखवाड़ा की दूसरी वर्षगांठ। 2 सप्ताह चलने वाला पोषण पखवाड़ा में पोषण अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाने लगी है। इसका फोकस क्षेत्र है पोषण के लिए पुरुष, ठीक है, मेन फॉर न्यूट्रिशन। पोषण अभियान में पुरुष जुड़ाव बढ़ाने के लिए ताकि पोषण संबंधी संकेतों में सुधार हो सके। बात करें पोषण अभियान की तो राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है या फिर पोषण अभियान कहते हैं। यह 8 मार्च 2018 को झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का उसमें लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भारत का जो लक्ष्य है कि इसको कुपोषण मुक्त बनाना है वह किस वर्ष तक बनाना है, तो 2022 तक कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य है। और पोषण अभियान के समग्र क्रियान्वयन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश ने पोषण अभियान के समग्र क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। कार्यक्रम के तहत राज्य ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जीवन चक्र के दृष्टिकोण के आधार पर बनाए गए मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या के मामले में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। नीति आयोग को हर 6 महीने में पोषण अभियान की क्रियान्वयन स्थिति रिपोर्ट PMO को प्रस्तुत करना आवश्यक है। पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं से बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करना है। ठीक, और पोषण अभियान के बारे में हमने जानकारी अभी पिछली न्यूज में पढ़ी। चलिए अगली देख लेते हैं। अगली न्यूज है, तीसरा ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली में खुला। ठीक है, तो नई दिल्ली साउथ वेस्ट डिवीजन के अंतर्गत आने वाली दिल्ली सर्कल के डाक विभाग द्वारा तीसरी सभी महिला डाकघर का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया गया था। अगली न्यूज देख लेते हैं, हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में भारत। तो भारत को हिंद महासागर आयोग द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में अनुमोदित किया गया है और इस अनुमोदन के साथ भारत चीन के साथ शामिल हो गया है, जो कि चीन जो है 2016 में पर्यवेक्षक बना था। और साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंकोफोनी जो कि 54 राष्ट्र फ्रांसीसी भाषी समूह है, और यूरोपीय संघ और माल्टा, ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंट्री है, ये 2017 में ऑब्जर्वर बनी थी। और अभी भारत ने और चाइना बना था 2016 में, और इन सभी को भारत ने ज्वाइन कर लिया है एज एन ऑब्जर्वर इन इंडियन ओशन कमीशन या फिर हिंद महासागर आयोग में। हिंद महासागर आयोग की बात करें, इंडियन ओशन कमीशन की बात करें, तो यह पश्चिमी हिंद महासागर में 5 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन समूह, कौन कौन से आइलैंड शामिल हैं, तो इसमें कॉमोरोस,
सीशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर और फ्रेंच रियूनियन शामिल हैं। इसका गठन 1984 में इन पश्चिमी हिंद महासागर द्वीपों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय मॉरिशस में उपस्थित है। तो हमने यहाँ पे हिंद महासागर आयोग के बारे में पढ़ा। तो इसके जो देश हैं, जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, 5 इसमें ऑब्जर्वर स्टेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जानकारी ली। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। नई दिल्ली में पुलिस और CPF में महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND ने नई दिल्ली में पुलिस और CPF में महिलाओं पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल कल्याण समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा और विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया है। जो दो विषयों पर यहाँ पे चर्चा की गई थी इस सम्मेलन में, इसमें था साइबर स्टॉकिंग और महिलाओं को धमकाना, सुरक्षा के लिए कदम, और CPF का महिला परिचालन, CPF की महिलाओं परिचालन क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना। जो CPF में जो महिलाएं हैं तो ऑपरेशनल एरियाज में वो क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, उस पर डिस्कशन था, और साइबर स्टॉकिंग पर डिस्कशन था। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना 1970 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। तो हमने ये वाली न्यूज पढ़ी। अब अगली न्यूज देख लेते हैं। अशरफ गनी दूसरे कार्यालय के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। अशरफ गनी ने दूसरे कार्यालय के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पिछले साल सितंबर में हुए चुनाव का विजेता उनको घोषित किया गया था, लेकिन जो उनके प्रतिद्वंदी हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला, उन्होंने भी एक समांतर समारोह आयोजित किया और राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अमेरिकी सैनिकों ने US तालिबान समझौते के अनुसार अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया है, और ये जो US तालिबान समझौता हुआ था ये 29 फरवरी को हुआ था, और हाल ही में जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसने भी इसको अप्रूवल दे दिया है। और अफगानिस्तान की हम बात करें तो यह पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से लगा हुआ देश है। एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी बाउंड्री, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, अपनी सीमा साझा करता है, और इसकी जो राजधानी वो काबुल है, और इसकी जो मुद्रा है वो है अफगानी। अगली न्यूज देखते हैं। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए विकसित की गई। कम तापमान पर परिचालन क्षमता वाली पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल को ARCI हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इन PEMFC प्रणालियों को 1 से 20 किलोवाट की सीमा में विकसित किया गया है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ईंधन स्टैक, एयर मूविंग सबसिस्टम, पावर कंट्रोल डिवाइस आदि के साथ 10 किलोवाट प्रणाली के साथ समर्थित है, और आपदा प्रबंधन के उपाय के रूप में यह उपयोग किया जाएगा। बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। और ARCI पूर्व चेतावनी प्रणाली, कार्यालय उपकरण आदि जैसे प्रणालियों को संचालित करने के लिए तमिलनाडु स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में 10 किलोवाट क्षमता तक का PEMFC सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है तमिलनाडु स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। पाउडर धातु कर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान, जिसको ARCI कहते हैं, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ARCI जो है वो कौन से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान केंद्र है। फ्यूल सेल की अगर हम बात करें तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस उपकरण में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और ये काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कवर कर लिए अपने करंट अफेयर्स। तो अब देखते हैं आपने कितने अच्छे से पढ़े। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए उनके करेक्ट आंसर, और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत करिए अपना अच्छा परफॉर्म करने के लिए। आपको क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह के बारे में सही नहीं है। पहला है, ये केवल महिलाओं का अनौपचारिक जुड़ाव है। इन समूहों के लोग आमतौर पर एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं। यह समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा देते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप मुझे इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है आपके लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम हाल ही में डैश कार्यक्रम के भाग के रूप में शुरू किया गया है। तो किस कार्यक्रम के भाग के रूप में शुरू किया गया है।
दिशा, संकल्प, स्ट्राइव या किरण, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। अगला आपके लिए प्रश्न है, पोषण अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? आपको ऑप्शन गिवन है 2016, 2017, 2018 और 2019, तो कब शुरू किया गया था, आप इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र हिंद महासागर आयोग का सदस्य नहीं है? तो आपको ऑप्शंस गिवन है मालदीव, सीशेल्स, मेडागास्कर और कॉमोरोस, तो कौन सा सदस्य नहीं है आईओसी का, उसका मुझे सही आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पुलिस और सीएपीएफ में महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस है बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई और चंडीगढ़, तो कहाँ पर आयोजित किया गया था बताइए आंसर। तो इसका आंसर आप मुझे सही कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर ये आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हिंदी करंट अफेयर्स 9 और 10 मार्च के कवर कर लिए हैं, और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, रोजाना हिंदी करंट अफेयर्स को फॉलो करिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। आप हमारे चैनल पेंडुलम एडू को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए टू रिसीव नोटिफिकेशंस, और जम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।